अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सिरमौर जिला की समृद्ध लोक संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। इस दौरान भड़ालटू, ठोड़ा, डगेली और रासा जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कलाकारों के अद्वितीय प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सिरमौर की लोक धरोहर से रूबरू कराया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित थे। इस महानाटी का आयोजन पद्मश्री अवार्डी विद्यांत सरैख और प्रसिद्ध लोक गायक जोगिंदर हब्बी की अगुवाई में किया गया। दोनों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इस आयोजन की सराहना की और संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। पद्मश्री अवार्डी विद्यांत सरैख ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समृद्ध लोक संस्कृति को जीवित रखने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा समय में संस्कृति को बचाने की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। सरैख ने मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार में मीडिया का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस मौके पर लोक गायक जोगिंदर हब्बी ने आयोजन के लिए प्रशासन का आभार जताया और कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उन्हें अपनी कला को और निखारने का अवसर मिलता है। और सीटू है, सुतराटू है, कितने ही नृत्य आज के सामने आपकी सेवा में पेश कर दीजिए। तो प्रस्तुत है आज सुच्चा माई रेणु के राजा Yeah.
हर पवाड़े साके असंख्य गीत दिवाली में गाए जाते हैं। आज ये महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है, इसे अविस्मरणीय दिवस है। मैं कहूँ आज ये महानाटी का प्रयास, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे साथी जोगिंदर हाबी जिन्होंने नाटी को विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है, इनके साथियों ने, ये देख रहे हैं आप, ये बढ़ाल टू है, सी टू है, रात को हम डगड़ी नाच देंगे, ये सारी रिसर्च करी है, और क्या कहते हैं करियाला पे रिसर्च करी है, ठोटे पे रिसर्च करी है, किताबें भी लिखी है। तो बात यह है कि इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस संस्था का प्रयास कर विदेशों में जाकर के भी इसका वो प्रचार प्रसार और वहाँ पर भी इसकी पहचान बनाई है। आज ये महत्वपूर्ण स्थान है, मैं तो खासतौर से मीडिया से ये कहूँगा, आप ही बचा सकते हैं ये अभी हमारी संस्कृति को, विलुप्त हो रही है हमारी नाटियाँ, विलुप्त हो रही है, इसमें जो कथा और कथानक इसकी ऐतिहासिकता है वो खत्म होती जा रही है। हमारे लोक नाट्य करियाला श्री के बड़े इम्पोर्टेंट जो सामायिक संवादों से सजे थे वो खत्म इस संस्था ने किया है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि संस्कृति को बचाने के लिए जो आप कर सकते हैं, ना राजनेता कर सकता है, ना साधु संत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपके पास जो साधन है और जन जन तक आप जिस एक बारीकी से इसकी बहुरंगी जो विधाएं हैं वो पेश कर सकते हैं, वो आज यहाँ महानाटी की जो प्रस्तुति है इसमें यहाँ पर महिलाओं ने नाटी की, माला नृत्य किया, माला रिहाल्टी नृत्य बरसात का नृत्य है, ठोडा नृत्य ये चैत्र वैशाख का बसंत का नृत्य है, और बूढ़ा नृत्य जो है दिवाली का नृत्य है, उसमें हार बार पुआड़े साके इस आज की इस महानाटी में एक ही नहीं है, बहुरंगी और तालों में बहुरंगी प्रस्तुतियां हैं, इंद्रधनुषी वो ये विधाएं हैं जो आज यहाँ पेश कर किए। फिर मैं ये कहूँगा ये थोड़े से अरसे भी इन कलाकारों ने मेरे साथ दिया, खासतौर से जोगिंदर हाबी और इनके जो कलाकार थे इन्होंने साथ दिया, और हमने इसमें जो गीत भी बनाए हैं वो परशुराम जी पर और यहाँ की उन विधाओं के अनुसार, इसमें तावड़ी नाटी है, रथौड़ा है, नाटी गी है जिसको गायंटी आठ मात्रा की कहती है। सर ये बहुत अच्छा प्रयास है जिला प्रशासन का, डीसी साहब का, एडीएम साहब का और डीएलओ साहिबा का। गत वर्ष भी यहाँ हमने महानाटी की और उसमें काफ़ी महिलाएं आई थी, और इस वर्ष भी एक प्रयास है जिसमें कि सिरमौर के लगभग सभी विधाओं को एक मंच पर, एक मंच के माध्यम से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि सुबह से सरेख साहब जब से उठे हैं, 5 बजे सुबह उठे हम लोग, तब से प्रयास कर रहे हैं, और पिछले 3 दिनों से गीतों पर हम कार्य कर रहे हैं। हमें थकान भी होती है, लेकिन जब बहुरंगी संस्कृति का यहाँ प्रश्न होता है तो सारी थकान खत्म हो जाती है। हम धन्यवादी हैं प्रशासन के और सभी अफसरान के जिन्होंने इस महानाटी का आयोजन किया, और धन्यवादी है हम बुढ़ियाचू के, ताल वादकों के, इन महिलाओं, माताओं, बहनों के, और जो ग्रुप से आए उन सभी धन्यवादी हैं कि वो भी हमारी झाड़ भी सुन रहे हैं, थकावट भी सह रहे हैं, उसके बाद भी हंस खेल के कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सर।